अब गाइस शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्कशन करना है एज ट्रू और फॉल्स, है ना। देखो ये वैसे बहुत ही इजी सा पार्ट है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसने लिखा 1, 2 इज ए सबसे इज ए सेट, है ना, और बीच में सबसेट नॉट, है ना, सबसेट को क्रॉस कर रखा है, इट मीन्स नॉट ए सबसेट, क्लियर। किसके लिए बेटा, वो लिखा है 2, 3 और 1। देखो आपसे पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स, तो सबसे पहले आप ये देखो क्या ये चीज़ राइट है या फिर रॉन्ग आंसर, तो हम बाद में देंगे। 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये 1 और 2 जो है ये इसका कन्फर्म सबसेट है ना, कन्फर्म सबसेट। और ये कह रहा है नोट ए सबसेट, इट मीन्स हमें तो पता है भी ये बात सही है, लेकिन ये कह रहा है नहीं, तो इट मीन्स इसकी जो बात है वो इसकी बात राइट नहीं है, फॉल्स है, है ना। तो आपको पहले जब भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मिले तो आपको पहले अपनी बात पर डिस्कशन करना है, माइंडली डिस्कशन करना है कि हाँ ये चीज़ है या नहीं है, है तो ट्रू, नहीं है तो फिर फॉल्स। अब इसके रिगार्डिंग इसने मना कर रखा जबकि ये बात रियल में सही थी, इट मीन्स इसकी बात गलत है। तो इसके बहुत सारे 2-3 पार्ट्स लिखे बेटा, इन तीनों को ट्राई करेंगे, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो पूछेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, है ना, राइट द नंबर ऑफ टोटल, राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। देखो हमें एलिमेंट्स बताएं, जैसे फर्स्ट में इसने बोला कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, है ना, तो उसके सबसेट कितने। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था उसमें कि हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको 2 की पावर के रूप में यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। लिख भी देना बेटा आपने इसके सामने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2^n, तो इसके n एलिमेंट्स है तो 2^n हो जाएंगे। सेकेंड के अंदर इसने लिखा है 1 एलिमेंट, जिसमें देखो 1 एलिमेंट अगर किसी में होगा तो क्या हो जाएंगे, 2^1 हो जाएगा, और उसके कितने टोटल सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे, क्लियर। तो इसके भी आगे 2 पार्ट्स हो रहे हैं, आप कर सकते हैं इजीली। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज, हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो आपको अब की बार एलिमेंट्स बता रखे थे, इतने एलिमेंट्स, अब की बार एलिमेंट्स नहीं बताए, सेट लिख के छोड़ दिया, सबसे फर्स्ट पार्ट में ऐसे लिखा। कौन सा सेट होता है, आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0, हमें पता है उसमें एलिमेंट होता ही नहीं, 0 मतलब नहीं बेटा, आप ऐसे कहें कि सर 0 नहीं, एलिमेंट की काउंटिंग का जिक्र है, उसमें एलिमेंट नहीं होता, नहीं होता मतलब 0 के बराबर होता है एलिमेंट, सॉरी 0 के बराबर एलिमेंट की संख्या होती है बेटा, 0 नहीं होता एलिमेंट, 0 के बराबर संख्या होती है, इट मीन्स हम उसको लिखेंगे 2^0, और 2^0 इज 1, सीधी सी बात, इसका मतलब 1 ही बनेगा उसके अंदर, क्लियर। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया गाइज कि एनीथिंग रेज टू पावर इज 0, वाई, ठीक है, तो यू आल्सो कमेंट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास इस तरह से सेट, उसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है, 2^1, 2 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2, 3, 9, 3 एलिमेंट्स, आपको काउंटिंग आ गई, 2^3 क्या, कितने सबसेट होंगे टोटल, 8, तो क्लियर होगी गाइज ये बात, जितने भी एलिमेंट्स उसको 2^ यूज़ करो, टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे हमारे पास, सबसेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कहा गया प्रिपेयर सबसेट या राइट द फॉलोइंग सबसेट फॉर ए गिवन सेट। जैसे सबसे पहले हमारे पास 1/2, फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है पाई। अब आपको इसके सबसेट बनाने हैं, तो आप लिखेंगे इसको ए सपोज कर लेते हैं ना, तो सबसेट ऑफ ए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे। सबसे पहले देखो हमको आपको पता ही है कि हमने जिस भी सबसेट लिखने हैं उसके लिए पहला सबसेट हमारा फाई एम्प्टी सेट, फिर आगे चलते हैं 1, 1 लिख लेते हैं, पहला एलिमेंट हो गया 1, फिर हो गया, फिर सॉरी 1/2 है, फिर 1, फिर पाई, फिर 2, 2 के पेयर बना ले बेटा, 1/2 और 1, फिर 1 और पाई, फिर 1/2 और पाई, और फिर 1/2, 1 और पाई, ठीक है। देखो 3 एलिमेंट्स हैं तो 2^3 कितने होने चाहिए, 8 सबसेट होने चाहिए, गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इट मीन्स राइट हमारा, क्लियर ये बात। एक बात और बेटा, अगर आपको जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 और 1, अगर इसको कोई बच्चा 1 पहले और 1/2 बाद में लिख देता है तो भी कोई बात नहीं है, सबसेट के एलिमेंट वही होने चाहिए, पेयर आप जैसे आगे से बनाने शुरू करो या पीछे से, वो आपकी मर्जी है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट के ऊपर चलते, देखो इसके अंदर भी आगे एक और है, उसमें 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ABCD, तो आप उसके लिए भी एज इट इज़ बात यूज़ करेंगे, है ना, बना सकते हैं ना सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग कंटिन्यू। आपको फर्स्ट में कहा गया है सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ओड नंबर्स, देखो मैं वर लिख देता हूँ,
ताकि आपको कंफर्म समझ में आ जाए। अब इसने बोला ये हमारा सेट है, इसमें से एक आपको सबसेट बनाना है ए के लिए, मान लो बी एक सबसेट हो गया और उसमें क्या होना चाहिए, ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम दैट सेट। तो ओड नंबर्स पता होगा बेटा आपको, 1, 3, 5, 7, 9, ओड नंबर्स मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से छांट दिए हमने। सेकंड में क्या कह रहा है हमें, सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर्स। अगला सेट सबसेट हमने ये का मान लिया सी, उसके अंदर इवन नंबर होने चाहिए। अभी बताया मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ तक ही लेने क्योंकि हम इस सबसेट इस सेट का बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दैट कंटेन नो एलिमेंट्स, मान लो एक नया आ गया जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, मतलब 5। क्लियर है बेटा, बहुत ईजी सी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत साथ साथ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम, नेक्स्ट के लिए आपको बोला गया है ए हमारे पास एक सेट है जिसके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए बेटा आपके, ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट, देखो यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा ध्यान लगाना भाई, ए बी एक ग्रुप में लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों एक एलिमेंट है बेटा, अलग अलग एलिमेंट नहीं है। और दूसरा है सी, ये एक एलिमेंट पढ़ा जाएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक बात समझाई थी ना, कोई नाम लिख के दिखाया था, याद हो दिखाया था नाम लिख के हमने, उसी तरह से ये एक एलिमेंट है यहाँ पे भी, पूरा का पूरा ए भी एक एलिमेंट, मतलब इसमें अगर कोई पूछे एलिमेंट कितने, दो ही एलिमेंट है इसमें हमारे, एक ए भी एक एलिमेंट पढ़ा जाएगा और दूसरा सी, ठीक है। अब इसने क्या बोला, देन राइट पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या था, पावर सेट था कलेक्शन ऑफ सबसेट, मतलब पहले इसके सबसेट बनने चाहिए। तो आप ऐसे लिखो सबसेट ऑफ ए, और सबसेट ऑफ ए क्या बनेंगे बेटा, सबसे पहले हो गया 5 है ना, उसके बाद क्या बनेगा, पहला बनेगा ए बी का, देखो ध्यान से ए बी विद ब्रैकेट के पूरा एलिमेंट है, तो एक बार में इसको पूरा एलिमेंट ही मानना है आपने। फिर दूसरा एलिमेंट कितना है बेटा, सी। फिर हम सबको लिखेंगे, आपको पता ही है ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा है ना, ये बन गए इसके सबसेट। और अगर आपको पावर सेट ऑफ ए बनाना है तो इन सभी का क्या बना दो, क्लियर, एक नया सेट बना दो। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ आपका ए, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, राइट इन द इंटरवल्स। इंटरवल्स में आपको अभी लिखना सिखाया था 2 मिनट पहले ही, हम फिर उसी का डिस्कशन करेंगे। इसने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स लेस देन माइन एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 एंड लेस देन 5। देखो इंटरवल्स के लिए आपको ये बात पकड़नी है, क्या इक्वल है या लेस देन है या इज इक्वल लेस देन है। तो ये दोनों बार ही आपका नॉट इक्वल के ऊपर है ना, इक्वल का सिंबल कौन से में भी नहीं, इट मीन्स कौन सा है, ओपन इंटरवल है ना। और ओपन इंटरवल के लिए हम लिख देते हैं माइनस 5 और प्लस 5, ये इंटरवल होगा, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है गाइज, इसके बहुत सारे 4 पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट और कर रहे हैं हम इसका। x सच दैट x बिलोंग्स टू r और वहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 12। देखो ध्यान से x इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ इट मीन्स क्लोज इंटरवल के ऊपर चलना है, तो क्लोज इंटरवल में लिख देंगे आप 3 और 12, क्लियर, एक कोमा जरूर लगाना है। तो आज जो है गाइज आपको अपनी इस एक्सरसाइज के 7 तक के जो क्वेश्चन है वो तो हमने कर ही लिए है ना, तो यू विल बी आल्सो ट्राई टुडे अप टू 10 क्वेश्चंस, क्लियर। आपको 10 तक के क्वेश्चंस जरूर इसके देखने हैं क्योंकि हमने बेसिक बातें सारी क्लियर कर रखी हैं, तो आप उनको भी ट्राई करेंगे।